जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग क्लेस्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल की शुरुआत से ये स्टॉक काफी चर्चा में रहा है। वजह है कि ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में हाल ही के दिनों में लिस्ट हुई है और लिस्ट होने के साथ इसने अपने निवेशकों को छप्परफार रिटर्न दिया है और छप्परफार रिटर्न देने के साथ साथ इस स्टॉक ने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट और बोनस एक साथ दिया था। आपने आज तक सुना होगा कि इस स्टॉक ने या तो बोनस देता है या स्प्लिट करता है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो नया शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ और लिस्ट होने के साथ शेयर प्राइस तो इसका बढ़ा ही, लेकिन उसके साथ साथ इसने स्टॉक स्प्लिट और बोनस एक साथ दिया अपने निवेशकों को, जिससे निवेशकों की जो रिटर्न थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है, जब एक साथ और बहुत जल्दी इस कंपनी के शेयर प्राइस, किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना था। इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ और उसके बाद इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिली, जिसके बाद शेयर प्राइस कम होने लगा। और जब कोई कंपनी स्प्लिट और बोनस करती है तो उसके बाद शेयर प्राइस में आमतौर पर देखा जाता है कि स्प्लिट और बोनस मिलने के बाद शेयर प्राइस कम हो ही जाता है। तो अभी आज इस कंपनी में अपर सर्किट लगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 5% का अपर सर्किट आज के दिन इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या इस स्टॉक के दिन फिर से बहुरने वाले हैं, फिर से ये स्टॉक एक छप्परफार कमाई कराने के लिए अग्रसर है। तो यही सब मुद्दों को इस वीडियो में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। पिछले एक सप्ताह में देखें तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 6% के आसपास रिटर्न दिया है, यानी कि देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन 5 दिनों से हम देखते हुए चल रहे हैं कि इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी अब देखने को मिलने लगी है। हालांकि एक मंथ का रिटर्न देखेंगे तो एक मंथ में अभी भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। देखिए, एक मंथ में ये गिरावट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी जो इसमें तेजी आना शुरू हुआ तो पिछले 5 दिनों से मतलब तेजी इसमें शुरू हुआ है। अब 5 दिनों के तेजी के जो है एक मंथ के जो रिटर्न है उसके बराबर तो नहीं हो जाएगा, इसलिए ये जो अभी तेजी आना शुरू हुआ है ये कुछ दिनों तक बरकरार रहता है तो एक मंथ का रिटर्न जो यहाँ माइनस में ये अभी पॉजिटिव में हो जाएगा। पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में तकरीबन 97% के आसपास स्टॉक टूट चुका है। पिछले 6 मंथ में ये 97% जो टूटा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नहीं टूटा है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से टूटता तो इतना नहीं टूटता, ये इसलिए यहाँ 97% का रिटर्न माइनस में दिखा रहा है क्योंकि इसने स्प्लिट और बोनस एक साथ दिया था और जब स्प्लिट और बोनस एक साथ देता है तो शेयर प्राइस कम हो जाता है और इसने 1:10 के रेशियो में अपना स्प्लिट और बोनस दिया था तो जाहिर सी बात है इस रेशियो में इसका प्राइस कम हुआ, इस वजह से यहाँ पर 6 मंथ का रिटर्न आपको तकरीबन 97% के आसपास माइनस में दिख रहा है। खैर, ये बड़ी बात नहीं, अभी इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि इस अपर सर्किट की बदौलत ये स्टॉक और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, हमें इसमें क्या करने की जरूरत है। यहाँ पर आ गए हम लोग क्लेस्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड का। सबसे पहले चार्ट ओपन करते हैं और चार्ट के माध्यम से कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके ये जान लेते हैं कि मैंने आने वाले कुछ ही समय में इस कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अभी मैंने इस कंपनी के 1 साल का चार्ट ओपन किया और 1 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो अभी पाएंगे कि अभी भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में है। कंसोलिडेशन रेंज कहने का मतलब हुआ कि जब कोई किसी स्टॉक का प्राइस, किसी कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में घूम रहा हो तो इसको कहते हैं कंसोलिडेट करना। अभी इसका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और ये 1 रुपये से लेकर 50 पैसा इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से धीरे धीरे इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है और ये धीरे धीरे अब जाएगा 1 रुपये के लेवल तक आराम से जाएगा। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे 1 रुपये के आसपास इस कंपनी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों है, क्योंकि यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था और इसके बाद जब तोड़कर नीचे आ गया तो अब यही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस क्या करता है कि जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसके लिए रुकआउट का काम करता है, तो इसीलिए हमें देखना होगा कि इसका प्राइस 1 रुपये तक तो जा गया है तो फिक्स है, अपर सर्किट लगा है तो 1 रुपये के आसपास जाने के बाद कैसा ये मूवमेंट करता है। यहाँ पर इसको कुछ दिनों तक ठहरना जरूरी होता है। यहाँ पर यदि प्राइस सस्टेन कर गया तब तो पक्का बात है कि इसको तोड़कर ऊपर निकलेगा और इसको जब तोड़कर ऊपर निकलेगा तो इस लेवल के आसपास जाएगा जो कि 2 रुपये के आसपास का लेवल है, यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी आपको 2 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। 2 रुपये तक नहीं भी जाए तब भी आपको 1 से 1.5 रुपये के बीच ये इजीली आपको जाते हुए दिख सकता है। तो 1 से 1.5 रुपये के बीच तक के लिए यदि आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं यहाँ तक के लिए, या इस लेवल में आने के बाद आपका यदि लॉस हो रहा और लॉस प्रॉफिट में बदल जाता है तब भी आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग करना इस स्टॉक में इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी इस कंपनी के जो Q4 के नंबर आए हैं, Q4 के नंबर अच्छे नहीं आए, मन मुताबिक नहीं आए, तो हो सकता है इसको लेकर थोड़ी बहुत मतलब शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, इस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिले। Q4 के नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे Q4 के इस नंबर में तो जो Q4 का रिजल्ट है, Q4 में कंपनी का कोई सेल्स ही नहीं हुआ। देखिए, 0-0 रह गया Q4 में इस कंपनी का सेल्स, जबकि पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो सेल्स हुआ था, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में सेल्स बढ़े भी थे, लेकिन जो अभी Q4 के नंबर आए हैं उसमें इस कंपनी का सेल्स बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि इसके बावजूद देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होते हुए दिखी, मतलब इस क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में तो इससे ज़्यादा हुआ था नेट प्रॉफिट, लेकिन अभी जो Q4 के नंबर आए हैं इसमें नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि सेल्स 0 होने के बावजूद नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत इसमें हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी चूंकि Q4 के नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि अपर सर्किट लगाए तो शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा
और आपको मैंने जो लेवल बताया 1 से 1.5 रुपये के बीच, इसके बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहे तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिर यदि यहाँ तक नहीं पहुँचा और या यहीं से फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गया तो आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है एलेस्टोन टेक्सटाइल्स में। उम्मीद करता हूँ एलेस्टोन टेक्सटाइल्स के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, मैं इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि इसमें कब तक आपको ठहरना सही रहेगा, कब इसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। लंबे समय तक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बात करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यदि ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप MS स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।